खरगोन शहर में इन दिनों पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा बिना मास्क पहन के घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन 3 से 5 हज़ार रुपये तक के चालान भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही सख्त हिदायतें भी दी जा रही है कि बिना मास्क के बाहर ना निकले तथा बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करें। वहीं नगर पालिका व पुलिस टीम के द्वारा दी जा रही इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, क्योंकि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर 200 रुपये का चालान काटा जा रहा है। वहीं नागरिकों ने चालान की राशि कम करने की भी बात कही है। कितना चालान वसूला जा रहा है और कितने दिनों से जा रहा है? नगर पालिका में रोज सुबह शाम लीजिए 3 से 4 हज़ार रुपये का चालान बनाया जा रहा है। इसमें यात्रियों को मास्क भी दिए जा रहे हैं, जिसका कि सिर्फ 11 रुपये है। वो 11 रुपये दे के नगर पालिका चालान की कार्रवाई पुलिस थाने के साथ मिलकर कर रही है। प्रतिदिन कितना राजस्व मिल रहा है नगर पालिका? 2,000, 3,000, 4,000 दोनों टाइम मिला के 5,000 भी आ जाते कभी कभी। किसी प्रकार कोई समझाइश दी जा रही है? हाँ, समझाइश दी जा रही है। सैनिटाइजर लाओ, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। दुकानदारों को बोला जा रहा है, दुकानदारों को भी मास्क के चालान की रसीद काट के अपने लोगों को समझाया गया है। खरगोन जिले के सनावत से नीलेश मालाकर की रिपोर्ट।